वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्यू टेस्ट में आपसे पूछेंगे जनरल नॉलेज के मात्र 7 इम्पॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ये सवाल पिछले वीडियो के क्यू फॉर यू में पूछे गए थे। आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकेंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी, जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, गीता में मैं शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 109 बार। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1857 में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रजत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 7, और आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साल वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है। हाल ही में बजट 2019 पेश किए गए हैं जिसमें ई वाहन पर लगने वाले 12% टैक्स को घटाकर कितना कर दिया गया है? यदि आपको राइट आंसर पता है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं करे हैं तो रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप और भी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।